जय हिंद साथियों, मैं हूं रोशन। आप देख रहे हैं अपना कालसन मोटर। समीर भैया का गाड़ी है। अभी इसमें सेल बेयरिंग चेंज होगा। अभी ये पोर्शन खुलेगा और इसमें सेल बेयरिंग इंस्टॉल होगा नया वाला। बस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी इस गाड़ी का क्लच साइड खुलना हो, जब भी या कोई भी साइड खुलना हो, तो क्योंकि इसमें ऑयल गिरेगा, इसको पहले साफ कर देना है। इसको जितना भी है इसको साफ कर देना है पूरा अच्छे से। माइक्रो डस्ट भी नहीं रहना चाहिए, पूरा साफ कर देना है इसको। कपड़े से हो सके या फिर पानी से भी हो सके, जेट मार के। अब यहाँ पानी का सुविधा है नहीं, इसलिए इसको कपड़े से, महीन कपड़े से साफ कर रहे हैं। साफ करने से क्या ना, जब हम इसको लगाएंगे, क्योंकि ऑयल गिरेगा इसका आधा, ठीक है ना, तो उस ऑयल के साथ माइक्रो डस्ट जो है वो, धूल मिट्टी जो है वो जाएगा नहीं, इसीलिए इसको साफ रखिएगा, एकदम साफ कर देना है। चलिए ठीक है। अभी पहले ये फुटरेस्ट खोलना होगा, फिर गियर लीवर खोलना होगा, फिर इसको खोलना होगा, क्लच एक्सीलेटर इसको यहां से, उसके बाद ये 8 नंबर का पूरा बोल्ट खोलना होगा, फिर खुल जाए। फुटरेस्ट खुल गया, गियर लीवर खुल रहा है, क्लच केबल भी खुल गया है, देख लिया आप, ये रहा क्लच केबल, खुल गया। अब 8 नंबर का सारे बोल्ट खोले, टोटल 11 बोल्ट है, 8 नंबर का सब खुल। देखिए इसके 11 को 11, 8 नंबर का बोल्ट खुल चुका है, ठीक है। हम इसको अब खोलेंगे, देखिए ऑयल, देखिए ऑयल, देखिए ऑयल खराब हो गया है, आप देख सकते हैं ऑयल खराब हो गया। मैं आप डायरेक्ट रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ऑयल खराब हो चुका है। ऑयल का कलर देखिए, दोनों हाथ से करना होगा, ठीक है। ऑयल देख लीजिए ना कैसा गाढ़ा है, पूरा जला हुआ ऑयल है। देखिए ये क्लच कवर मैंने खोल निकाल लिया है और अनइंस्टॉल कर लिया है। अब देखिए ये ऑयल है, मैं खाली हाथ से छू के मैं दिखा रहा हूँ, खाली हाथ से मैं छू के दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें जो ये जो पाउडर सक्स का चीज है ना, पाउडर चिपचिपा, ये क्लच का जो फ्रिक्शन प्लेट है उसका पाउडर है, जो घिस घिस के निकलता है। ये देखिए इसका क्लच भी जलने ही वाला है लगभग, मैंने 30-40-50% जल चुका है, ये 50% जल चुका है इसका, जब ये अभी जस्ट 4 महीना पहले काम होके गया था, कि गाड़ी का रनिंग बहुत ज़्यादा है। देखिए चलिए ठीक है, हमको इसका सेल बेयरिंग चेंज करना है, क्लच और चलेगा, अभी चलाएंगे इसको, ठीक है ना। सेल बेयरिंग पूरा कट गया, सेल स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है भैया को। ये रहा सेल बेयरिंग, इसको चेंज करेंगे और उसके बाद ऑयल को भी चेंज कर देंगे। देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये देखिए सेल बेयरिंग कट गया है, देखिए ये दोनों तरफ घूम रहा है। जो प्रॉपरली सेल बेयरिंग रहता है एक ही तरफ ही वन वे घूमता है, वन वे सेल बेयरिंग बोलते हैं ना, इसीलिए इसका नाम भी है सेल बेयरिंग स्पार्क क्लच, एक ही तरफ घूमता है। अभी देखिए दो तरफ घूमेगा, मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ घूमेगा। अभी एक तरफ घुमा, अभी देखिए उल्टा, देखिए रेडी घुमा, फिर इधर भी घूम रहा है, फिर इधर घूम रहा है। एक तरफ उसको पकड़ लेना चाहिए, हमने लग जाना चाहिए, जैसे साइकिल का फिर भी, साइकिल का पीछे का चक्का का फिर व्हील कैसे रहता है, एक तरफ लॉक रहता है और एक तरफ फ्री रहता ना, तभी तो आगे मोमेंटम मिलता है, मूव होता है उसका। अब इसको देखिए दोनों तरफ घूम रहा है, एक कट चुका है। कटता कैसे है ना, जब भी हम थ्रोटल स्विच देते हैं स्टार्टिंग स्विच देते समय थ्रोटल एक्सीलेटर देना नहीं है बिल्कुल भी। सत्रह नंबर का बोल्ट हुआ, मैं पहले भी जो वीडियो बनाया हूं उसमें बताया हूं, जब भी सेल बेयरिंग लगाना हो, भाई लोग हमारे प्यारे मैकेनिक लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा असेंबली निकाल देते हैं। इसमें टाइम टेकिंग बहुत है
और बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। और करना क्या है, बस इसको हल्का सा बाहर निकालना है, उसके बाद ये निकल जाए, ठीक है। ये देखिए, ये 24 नंबर का बोल्ट नट है, इसको लूज कर दिए। देखिए निकल रहा है ये, ठीक है ना। अभी निकल चुका है, लगभग निकल चुका है। ये देखिए, यह सेल बेयरिंग जो निकल चुका है, ठीक है। और इसका जो वॉशर है, हम इसको पहले जैसा जहां पे था, इसका वॉशर जो है पहले जैसा जहां पे था वहां पे इसको लगा देते, ठीक है। सेल बेयरिंग निकल गया है, ये देखिए। अब यहां पे आपको मैं डायग्नोसिस करके पूरा दिखाता हूं, ठीक है, पूरा दिखाता हूं डायग्नोसिस करके। सेल बेयरिंग है ये, ठीक है, ये एक तरफ घूमना चाहिए और एक तरफ लॉक लेना चाहिए। देखिए, ये सेल बेयरिंग है, ये एक तरफ घूमना चाहिए और एक तरफ लॉक लेना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, ये घूम रहा है एक तरफ, देख रहे हैं ना, एक तरफ घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब इधर से घुमा, देखिए दोनों तरफ घूम रहा है, ये क्या ना कट गया है, कट गया यहां से। कहां से कटा मैं दिखाता हूं आपको, इस निकलने के बाद। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये ग्रूव्स, ठीक है, फिर से दूर से पास से दिखाता हूं। ये जो ग्रूव्स दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है, ये ग्रूव्स यहां से कटता है, ये घिसता है, और ऐसा घिसने का वजह सिर्फ एक